हेलो चिल्ड्रन, हम देख रहे थे फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। आपने अभी पोएम पढ़ा, अब इसका अर्थ समझते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड विचेस। सबसे पहले बताइए, आपने ट्रेन देखी है? आप ट्रेन में बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। जो बच्चे बैठे हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे, हमारी फेरीज से, परियों से भी तेज विचेस, यानी ऐसा कोई, ऐसी कोई मैजिकल पावर वाली कोई लेडी, जादूगरनी जिसे कहा जाए। तो फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, फेरीज से भी तेज, विचेस से भी तेज, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, कहां कहां ट्रेन आपकी पार करती हुई निकल रही है। ब्रिज का मतलब पुल, हाउस घर, हेजेस झाड़ियां, एंड डिचेस रोड के किनारे जो स्लोप होता है जहां पे पानी रोड का बह के जाता है, वो है डिचेस। डिचेस एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, चली जा रही है ट्रेन इस तरह से, उसके डिब्बे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ट्रेन के डिब्बे ना हो करके सैनिक हैं जो लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। ट्रूप्स इन अ बैटल, बैटल यानी युद्ध, ट्रूप्स यानी सैनिक। All through the meadows, the horses and cattle, meadows से गुजर रही है, मैदानों से गुजर रही है, और वहां दिख रहे हैं क्या? घोड़े और चौपाया जानवर, cattle. All the sights of hill and the plain, सारे नजारे, सारे खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं। Hill and plain, पहाड़ी भी दिख रही है, मैदान भी दिख रहा है। Fly as thick as driving rain, तेजी से उड़ के निकल जाते हैं जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो एक दृश्य बस आपके सामने आता है और तेजी से निकल जाता है, जैसे कि बहुत तेज हो रही बारिश है। एक 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 करके दृश्य आपकी आंखों के सामने से गुजरते जाते हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और बार बार, एवर अगेन, इवन नाउ एंड देन, बार बार आपकी आंख एक झपकी ली आपने, विंक ऑफ एन आई, आपके आंख झपकने तक, पेंटेड स्टेशंस, स्टेशंस पेंट किए हुए रहते हैं येलो और ब्लैक कलर में, आप देखिएगा, पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, सीटी बजाते हुए ट्रेन गुजर जाती है स्टेशन से। हियर इज अ चाइल्ड हु क्लाइंबर्स एंड स्क्रैम्बल्स, और ये एक छोटा सा बच्चा जो क्लाइम हिल चढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही क्लमजीली वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर, और स्क्रैम्बल्स अपने पैरों, घुटनों और हाथों की सहायता से वो एक पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चे का दृश्य आपको दिखा, ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और खुद ही अपने में व्यस्त है, झाड़ियों को इकट्ठा कर रहा है, कटीली झाड़ियां, ब्रैम्बल्स यानी झाड़ियां जिसपे कांटे उगे होते हैं। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, और अब दिखा एक ट्रैम्प, एक व्यक्ति जो शायद बेघर है और ज्यादातर घूमता रहता है, वो खड़े होके, ट्रैवलर है, पैदल ही घूम रहा है, उसने वो खड़े होके देख रहा है ट्रेन को ध्यान से कि ट्रेन गुजर रही है। ट्रैम्प एक व्यक्ति जिसका शायद घर न हो और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता रहता हो, तो एक ट्रैम्प है, खड़ा है और वो देख रहा है। हु स्टैंड्स एंड गेजेस, गेजेस यानी देखना। एंड देर इज अ ग्रीन फॉर स्प्रिंगिंग द डेजीज, और यहाँ पे खूब सुंदर गार्डन दिख रहा है डेजीज का, कि आप डेजीज का फूल तोड़ के बढ़िया से उसकी माला बना लें, स्ट्रिंग डेजीज की माला तैयार कर लें। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड, और ये देखिए अब आपको एक दृश्य दिखाई दिया, एक गाड़ी जा रही है, एक कार्ट जा रही है, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, लंप, धीरे 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 चल रही है, उस पर एक आदमी बैठा है और उस पर ढेर सारा सामान है। And here is a mill, or there is a river. और यहाँ एक मिल दिखाई दी हमको, और आगे चलने पे ये नदी दिखाई दी। Each a glimpse and gone forever. हर चीज की एक झलक मिली और वो चीज हमारी नजरों से गायब हो गई। हम जब ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हमें दृश्य किस प्रकार के दिखते हैं, ये आपको इस कविता में बताया है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। एक बार फिर से देखेंगे, faster than fairies, faster than witches. फेरीज से भी तेज, विचेस से भी तेज, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, पुल गुजर गए, बहुत सारे घर देखे आपने, झाड़ियां देखी,
रोड का पानी बह के जिन डिचेस में जाता है वो देखा आपने, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जिस प्रकार से सैनिक बैटल में युद्ध में आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से ट्रेन के डिब्बे चले जा रहे हैं। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेज एंड कैटल, पूरे रास्ते में हमें क्या दिख रहे हैं, हॉर्सेज एंड कैटल, घोड़े दिख रहे हैं, चौपाया जानवर दिख रहे हैं। ऑल द साइट्स ऑफ हिल एंड द प्लेन्स, सारे रास्ते भर हमें नजारे दिखे पहाड़ी के और मैदानों के। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ऐसा लग रहा है कि जैसे तेज बारिश होती है उस तरह से, बारिश में सारी चीजें धुंधली साए साए निकल जाती हैं आग के सामने से, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, आपने आंख झपकाई और एक स्टेशन जो था वो आपकी आंखों से निकल गया। Here is a child who clambers and scrambles, और ये देखिए बच्चा जो क्लाम्ब बड़ी मुश्किल से चढ़ने की पहाड़ी पे कोशिश कर रहा है, और स्क्रैम्बल हाथों और पैरों की सहायता से। All by himself and gathering brambles, पूरी तरह से उसकी कोशिश है कि किसी तरह वो चढ़ जाए, और वो क्या इकट्ठे कर रहा है, बुशेस को, झाड़ियों को जिसपे कांटे लगे हुए हैं। Here is a tramp who stands and gazes, एक पदयात्री है पैर से सिर्फ ऑन फुट घूमने वाला ट्रैवलर, खड़े होकर ट्रेन को देख रहा है। एंड देयर इज अ ग्रीन फॉरेस्ट रिंगिंग द डेजीज, और ये हरा भरा आपको डेजीज का गार्डन दिख रहा है कि आप डेजीज को धागे में पिरो लें। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड, रोड में एक गाड़ी दिखी आपको, कार्ट दिखी, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है और वो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और उसपे सामान भी लदा हुआ है। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, फिर हमें एक मिल दिखाई दी, एक नदी दिखाई दी, ईच ग्लम्स एंड गॉन फॉर एवर, एक झलक मिली और वो चीज़ आपकी नज़रों से गायब हो गई। ट्रेन में बैठेंगे तो आपको इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये थी हमारी पोयम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डज द रेलवे कैरेज मूव फास्टर दैन, रेलवे कैरेज किससे फास्ट चलती है, फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस। हाउ डू द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक, फास्ट मूविंग बोगीज जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो कैसे लग रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली जैसे कि सैनिक हैं युद्ध पे जा रहे हैं। व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू, ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आपकी पूरी पोएम में है, आप देखिए पोएम पढ़िए और आंसर दीजिए। व्हाट डू द साइट्स ऑफ हिल एंड प्लेन लुक लाइक फ्रॉम द फास्ट मूविंग रेलवे कैरेज, हिल और प्लेन के जो साइट्स हैं, दृश्य हैं, वो फास्ट मूविंग रेलवे कैरेज से कैसे दिखाई देते हैं, ये भी आपकी पोएम में है। Have you ever been in a fast-moving train? कभी किसी तेज चलने वाली ट्रेन में बैठे हैं? Make a list of the things that you see from the train. ट्रेन से आपने क्या-क्या देखा? उसकी एक लिस्ट बनाइए। Write true or false in brackets. यहाँ आपको सही गलत लिखना है। The train is faster than fairies and witches. ट्रेन जो होती है, वो fairies और witches से fast होती है। Right or wrong? There is no bridge or river on its way. रास्ते में कोई पुल या नदी नहीं पड़ती। Say right or wrong? The child clambers and scrambles. बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है, स्क्रैम्बल करता है घुटनों और हाथ के बल पे। तो ये बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका poem number 6 from the railway carriage. मिलते हैं next video में।